doing. Chal. सर, आपने मुझे बुलाया। क्या हुआ, अभी का कुछ पता चला? सर, हमने उसे अनमोल हॉस्पिटल के आसपास स्पॉट किया, उसे सरेंडर करने का मौका भी दिया और चेतावनी भी दी, लेकिन उसने अपनी गन निकाली तो आपके ऑर्डर्स के मुताबिक हमें उसके ऊपर फायर करना पड़ा। फिर वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। सर, आप फिक्र मत कीजिए, उसके पैर में गोली लगी, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। मेरे कमांडोज और ऑफिसर्स उसे ढूंढ रहे, वो बच के नहीं निकलेगा। शिखा, गुड टू सी यू। तुम्हें यहां वापस देखकर बड़ी खुशी हो रही है। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी कि अभी गद्दार निकला और तुम बेगुनाह साबित हो गए। उसकी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई ना। सर, मैं चलता हूं। ये आप कैसे कर सकते हैं डैड? आपने अभिमन्यु के लिए शूटेड साइट का ऑर्डर दिया हुआ है। अभिमन्यु, हमारा अभी हॉक्स का सबसे जाबाज ऑफिसर है। डैड, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो देशद्रोही है, उसने देश के साथ गद्दारी की है, एंड दैट्स इट। आप बहुत गलत कर रहे हैं डैड। अभिमन्यु, जिसने अपने देश से, देश के लोगों से हमेशा प्यार किया है, उन्हीं लोगों ने अभिमन्यु के साथ क्या किया? अब मुझे लगता है कि शायद वाकई में अभिमन्यु इस देश के लोगों से नफरत करेगा। और अगर ऐसा हुआ ना, तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा, आपके इस देश को होगा, इस डिपार्टमेंट को होगा। आपने बहुत गलत किया, इस देश के लोगों ने अभिमन्यु के साथ बहुत गलत किया। आप लोगों ने अभिमन्यु को एक मौका नहीं दिया अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, एक मौका। ये हमारे हॉक्स का मामला है, और हॉक्स के मामले में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। यू माइंड योर ओन बिजनेस। पता नहीं हैदर भाई कहां रह गए, उन्होंने जहां मिलने को कहा था फिर वहां पहुंचे क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ तो नहीं भाई? मेरा दिल कहता है गड़बड़ है नहीं, बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने से टल गई। हैदर भाई गोलियों की आवाज सुने होंगे और लास्ट टाइम में अपना फैसला बदल दिया होगा। शायद यही सही हो, वरना वक्त देकर मुकरने वालों में से हैदर भाई नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो फोन करके अपनी खैरियत की खबर वो जल्दी देंगे हमें। भाई, अपना ठिकाना आ गया, चलो उतरते हैं। हमें इस टेम्पो से छुटकारा पाना होगा, वरना इस चोरी के टेम्पो को पकड़ने के चक्कर में सरकारी कुत्ते हम तक पहुंच सकते हैं, खामखा पकड़े जाएंगे। इसको ठिकाने लगाओ। समझ में नहीं आता, अभी को भागने की क्या जरूरत थी? मैं भी यही सोच रही थी। जब अभी बेकसूर है तो उसे इंसाफ आज नहीं तो कल तो मिल ही जाता। उसे यहाँ से भागने के लिए किसने कहा था? और वो भी अभी जैसा समझदार इंसान, वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता था? अब सब उसे ही कसूरवार समझेंगे और उसका केस भी कमजोर होगा। शायद उसे लगा होगा कि उसका केस और मजबूत हो जाएगा।
उसे ऐसी कोई बात पता हो जो वो छुपाना चाहता था, लेकिन जेल की चार दीवारों में मुजरिम का कोई भी बात छुपाना नामुमकिन होता है, इसलिए मजबूरन वो भागा है यहां से। एटलीस्ट मुझे यही लगता है, लेकिन सच क्या है वो तो सिर्फ अभी जानता है। पता नहीं अभी इस वक्त कहां पे होगा। आंखें खोलो हॉक्स लीडर अभिमन्यु अधिकारी। हॉक्स का लीडर नहीं, लेटर नहीं, नफरत, नफरत है उस नाम से मुझे और उस वजह से। सलाम भाईजान। आफ्ताब, अब्बा जान तुम्हारे पास आ गए। माफी चाहता हूँ भाईजान, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन हैदर चाचा उस जगह पर नहीं पहुंचे, लेकिन उसकी जगह खुदा ने हमें हमारा दुश्मन दे दिया। कौन? हॉक्स का होनहार ऑफिसर अभिमन्यु। अभिमन्यु तुम्हारे पास है? जी भाईजान, हैदर चाचा को अनमोल पार्क हॉस्पिटल के पीछे लेने पहुंचे थे, वहीं हमें ये मिल गया। गोली मार दो उसे। क्या सुना नहीं मैंने कहा था गोली मार दो उसे? जी भाईजान। के लिए तैयार हो जाओ अभिमन्यु अधिकारी। ये अच्छा है दोस्त, मुझे मार दो प्लीज। तुम नहीं मारोगे दोस्त, मैं अपने आप को मार दूंगा। मैं पहले कह रहा हूं तुमसे, नफरत हो गई है मुझे अपने आप से, नफरत अपने देश से, अपने देशवासियों से। सबने मिलकर सारा धोखा दिया है मुझे, सबने मिलकर मुझे अभिमन्यु अधिकारी को बीच सड़क पर चप्पलों से मारा है मुझे। ये जिल्लत भरी जिंदगी अभिमन्यु अधिकारी ऑफिसर, हाँ सड़क पर चलूंगा किस मुंह से चलूंगा मैं? प्लीज मुझे मार दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझे मार दो, मुझे मुक्ति दो प्लीज, मुझे मुक्ति दे दो। सिर्फ एक काम और तुम करोगे मेरे लिए, अम्मा को एक महफूज जगह पर पहुंचा दो, वरना वो वैशी दरिंदे मेरी माँ को भी मार डालेंगे, मेरी माँ को भी मार डालेंगे। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं? और ये अचानक तुम्हारे दिल में अपने देश और देश के बाशिंदों के लिए इतनी नफरत कहां से पैदा हो गई? कल तक तो तुम अपने देश के खातिर अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, अपनी जान देने पर आमादा थे। हा? जिस देश और देशवासियों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए उतावला हूं, वही देशवासी मुझे गद्दार देशद्रोही कहकर एक दिन मुझ पर थूकेंगे। और तुम जानते हो दोस्त, जिन ऑफिसर्स के एक इशारे पर मैं चट्टान की तरह ऐसे यूं गोली अपने सीने पर लेने के लिए तैयार होता था, आज उन्हीं ऑफिसर्स ने ऑर्डर दिया है अभिमन्यु अधिकारी को शूट एंड साइट, फिनिश, खत्म, खत्म कर दो उसको। इतनी सस्ती है मेरी जान, एक कीड़े से भी बदतर है मेरा वजूद। बहुत देर कर दी तुमने हकीकत समझने में, वतन परस्ती की पट्टी बंधी थी तुम्हारी आंखों पर, उस पट्टी को हटाकर देखो तो तुम्हें हमारा दर्द समझ में आएगा, तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हमने बंदूकें क्यों उठाई और हमें किसने मजबूर किया बंदूकें उठाने पर। तुम्हारी तरह हमने भी बहुत ज्यादती बर्दाश्त की है, खून के आंसू रुलाया तुम्हारी सरकार ने, बहुत कुछ खोया है हमने। समझ सकता हूं मैं कि बहुत कुछ सहा होगा तुमने भी,
और इसलिए तुमसे ही सिर्फ मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मेरा दर्द समझ सकते हो। इसलिए सिर्फ एक गुजारिश है, मेरी अम्मा को बचाओ वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। हम तुम्हारी माँ को महफूज जगह पर पहुंचा देंगे, पर तुम्हें ये यकीन दिलाना होगा कि तुम्हें अपने देश से वाकई में नफरत है। ठीक है, मेरी माँ के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाईजान, तुमने अभी को मारा या नहीं? नहीं भाईजान, अब तक तो नहीं। वैसे अभिमन्यु बहुत बदल चुका है भाईजान, हालात ने उसे अपने देश और हॉक्स का दुश्मन बना दिया है। उसकी ये नफरत हमारे बहुत काम आ सकती है भाईजान। वो नाटक कर रहा है, उसे गोली मार दो। भाईजान अगर नाटक कर भी रहा हो तो सच्चाई का पता चल ही जाएगा। मैं उसका ऐसा इम्तिहान लूंगा कि सच सामने आकर ही रहेगा। अगर उसने सच नहीं बोला तो उसके इंतकाल की खबर आप तक पहुंचा दूंगा भाईजान। खुदा कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेगुनाही साबित करेंगे। काश तुम्हारी तरह वीर सर भी मुझ पर उतना ही भरोसा करते। मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए समीरा, वही हॉक्स की पोजीशन, एंड आई वांट द सेम हॉक्स की पोजीशन। जानती है क्यों समीरा? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है, हॉक्स के साथ रहना और हॉक्स के साथ मिलकर इस देश को प्रोटेक्ट करना। अभी ऐसा ही होगा, तुम्हारा सपना जरूर सच होगा, ऐसा ही होगा। अभी ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? क्या बड़बड़ा रही है? फिर वही सपना। तुम्हारे बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें सुनी,
लेकिन मैंने किसी पर भी यकीन नहीं किया। अभी मैं जानती हूँ मेरे अभी को, मेरा अभी ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अभी देशद्रोही नहीं है, देशभक्त है। मैं हूँ मैं देशभक्त, मैं हूँ मैं देशभक्त। नफरत करता हूँ मैं इस देश से और हॉक्स के नाम से। नफरत। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भी, ये बात तुम्हें साबित करनी होगी। हम तुम्हारी नफरत की इंतहा देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं हम कि तुम वाकई में अपने देश और हॉक से उतनी नफरत करते हो जितना कि पहले प्यार किया करते हैं। अब तुम्हारी बेवफाई और तकाबाजी की हदें देखना चाहते हैं। इम्तिहान का वक्त आ गया है अभिमन्यु अधिकारी, उठाओ बंदूक और इस हॉक्स ऑफिसर को गोलियों से भून डालो, खत्म कर दो इसे। क्या सोच रहे हो? उसे गोली नहीं मार सकते। प्यार बड़े बड़े सूरमाओं को कमजोर कर देता है। एक बार आंख में आंख डालकर देख लो, चट्टानें तक पिघल जाती हैं। और फिर तुम तो एक आम इंसान हो, वो आम इंसान जो एक माशुका के प्यार में गिरफ्त है। इसकी चाल लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है।